सो दिस इज़ द सरप्राइज फॉर सर, जो कि सर को अभी तक नहीं पता है, बट हाँ उन्हें इंट्यूशन ज़रूर हो गई है जिस तरीके की हरकतें मैं सुबह से कर रही हूँ। सो वी आर रेडी टू लीव। अब हम आज जा रहे हैं अच्छा लगेगा। लेट्स सी कि अभी बाहर जाकर क्या प्लान बनता है। तो लावण्या अपने आप रेडी हो रही है, मैंने उसको बोला लाओ मम्मा बना दे, बट पता नहीं बच्चों का अपनी एटीट्यूड चल रहा है आजकल। सर किसी भी तरीके का ऑफिस वर्क आज ना करें और सारा टाइम हमारे साथ स्पेंड करें, इसीलिए आज सर का लैपटॉप हमने कर दिया बैग में पैक। जरा लवण्या को क्लोजअप से देखें, ये टॉप वगैरह पहना के तो पापा ने रेडी किया था और अभी मैंने आपको दिखाया, ये मैडम अपने आप पहन रही थी, उल्टी पैंट पहन के खड़ी है। अब हम इसको ऐसे ही बाहर लेके जाएंगे आज पम-पम को, सब बोलेंगे कि ये कैसा बेबी लग रहा है। ठीक है, ओके, चलो पापा ऐसे लेके चलो आज इसे बाहर। जल्दी ठीक करो, उतारो, निकालो उसको। स्लीपर पहनेगी, वो अब ठीक हुई नहीं है पैंट मैडम की। नाउ इट्स 12:20 और अब हम रेडी होके निकले हैं, तो लेट्स सी मोहल के साथ साथ एक्वेरियम जाते हैं या नहीं। बाकी एक्टिवा के लिए हमने पूछा था, प्राइस क्या है एक्टिवा का? 400 रुपये के आसपास, जिसमें पेट्रोल इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है। पेट्रोल के लिए हमें खुद पे करना पड़ेगा और वैसे भी हम सारी जगह घूम चुके हैं, तो शायद हम ऑटो ही लेंगे, जिसको यहाँ पे टुक टुक राइड बोला जाता है। तो बाहर जाके मिलते हैं हम आपको। अगर आप बच्चे की इंजॉयमेंट चाहते हो कि बच्चा भी अपने लेवल पे इंजॉय करे, तो आपको एक्वेरियम ज़रूर से जाना चाहिए। आई रिकमेंड कि ये बेस्ट जगह है बच्चों के लिए। वो बच्चा देख रहा है कि ये कितने बुरे पापा हैं। सर की जो पर्सनालिटी है वो एडवेंचर से ज्यादा रिलेट करती है, इसीलिए सर ने कोई नॉर्मल एक्वेरियम नॉर्मल फिश वाली मूवी नहीं देखी, सर ने देखी वेल वाली मूवी। उसमें सर ने तो एंजॉय किया ही किया है, लेकिन और लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि सर जैसे शाउट कर रहे थे ना, तो वो बहुत फनी लग रहा था बाकियों को देखने में भी, तो वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बाकी बच्चों के लिए तो एक्वेरियम इज द बेस्टेस्ट प्लेस आई कैन से, एंड आई विल रिकमेंड यू कि आपको वहाँ जरूर से जाना चाहिए। रॉयल रसोई से डिससेटिस्फाई होने के बाद हम जा रहे हैं मॉल की तलाश में, और लेट्स सी। कभी कभी कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो रॉयल रसोई से डिससेटिस्फाई होने के बाद हम खोज रहे थे आरके मॉल, जो हमें किसने बताया था, खुद ऑटो वाले ने बताया था, जिसके लिए हमने उसको किया था कि भाई हमें मॉल लेके जाना है आपको, बट एज ही बिहेव्ड तो उसने मना कर दिया था कि आप खाना खा के पीछे ये मॉल पैदल पैदल चले जाना।
तो हम मॉल ढूंढने के चक्कर में हम फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचे जो मेरी लिस्ट में था कि उदयपुर जाने के बाद मेरे को यहाँ जाना है लंच या डिनर के टाइम पे, और मुझे नहीं पता था कि वो लंच और डिनर इस तरीके से हमें मिलेगा सर के बर्थडे के दिन। सो दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन टू विद अस। सेकेंड बाइट आपको हम छीन लेना है, फिर थर्ड बाइट आपको हम कटे, फोर बाइट में सर कड़ी का गुना होता है सिप मारना है, फिर फाइव में छक्की की सब्जी और सिक्स में प्याज आएंगी वन वन बाइट सर, छह सर कड़ी को सिप करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में बाटी आएगी, बाटी का कॉम्बिनेशन पहला किसके साथ था? फर्स्ट बाइट चने की दाल सर। कौन सी है? ये वाली सीक्वेंस में रखा हुआ ना, येलो दाल। सेकंड बाइट आप हम बता रहे हैं ना पापा को, वेट करो फिर देंगे पापा आपको। ओके, मैं तो पीलू थोड़ा सा। थर्ड बाइट हुकुम कटे, थर्ड फोर्थ सिक्स। हमने लंच कर लिया है, सो सर के स्पेशल डे पे आज सर बोलेंगे कि खाना कैसा था। देखो, जब हम यहाँ पर आए तो सबसे बड़ी चीज़ जो लगी यहाँ पर, जितने भी रेस्टोरेंट में चाहे तुम गोवा जाओ केरला जाओ, कभी कोई ये नहीं सिखाता कि खाने को कैसे खाना। यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी, किसको किसके साथ खाना है, कॉम्बिनेशन। और जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो आपको टेस्ट आता है, और टेस्ट यहाँ पर मिला है। तो पैसा भले ही ठीक है 650 रुपीज़ की थाली है, बट उसके हिसाब से सेटिस्फैक्शन है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो इनको 5 में से 5 पॉइंट देता है। 2 hours later। और जैसे ही हम होटल के पास उतरे तो हमने देखा कि बागोर की हवेली का गेट ओपन है, तो हमने सोचा कि शायद ये खुल गया है आज। तो बागोर की हवेली में जो म्यूज़ियम है वो ओपन है, जिसका प्राइस 55 रुपीज़ है। और जो यहाँ पे फंक्शन होता था, मतलब ट्रेडिशनल डांस वगैरह होता था, दैट आर क्लोज्ड ड्यू टू कोविड। बागोर की हवेली की से ही अटैच्ड है वो लेक, पिचोला लेक। तो बाहर निकलने के बाद हमने सोचा कि लावण्या को थोड़ा एंगेज किया जाए, और हमने फिश को फूड खिलवाया लावण्या से, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा और वो उस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय कर रही थी। लावण्या इतनी एक्टिविटी करके थक गई थी और वो थोड़ा सोके भी उठी थी, तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा मिल्क शेक या फ्रूटी या एनीथिंग प्रोवाइड की जाए। और मैं वहाँ जाना चाहती थी जो मैंने लिस्ट में ऐड की हुई थी जगह, जिसका नाम है झील जिंजर कैफे। बाकी इतने सारे कैफे भी आए ऑन द वे, बट मैंने कुछ भी ट्राई नहीं करा, कहीं भी हम नहीं गए। मैंने सोचा सिर्फ यहीं पे ही चलेंगे, क्योंकि ये मेरी लिस्ट में था ऐड कि मुझे यहाँ जाना है। बट थोड़ा सा रूड बिहेवियर लगा मुझे, अब वो क्यों था आई डोंट नो। हमारी लवण्या की क्या लग रही है, भूख। इसको क्या चाहिए, कोको वाटर। और पापा आप कुछ कहना चाहेंगे इस कैफे के बारे में? बहुत कॉस्टली है, बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ के आना पड़ता है, उसके बाद भी स्टाफ ऐसे ऐसे लुक दे रहा था जैसे वो हम पे एहसान कर रहा हो किसी तरीके का। बिकॉज नो कमेंट्स। बाकी व्यू इज गुड, क्योंकि यही एक कैफे है, बाकी मैंने नोटिस नहीं किया। बट क्योंकि झील जिंजर व्यू जो है बिल्कुल सामने हमारे होटल से दिखता है, तो यही एक कैफे मुझे ऐसा लगा जिसने बिल्कुल लेक के आगे तक अपना एरिया बनाया हुआ था, तो इसीलिए उसके वहाँ से जो व्यू था वो एक्सट्रीमली गुड था, तो शायद इसीलिए वो कॉस्टली था। मैंने उसके बारे में आपको बता दिया वहाँ जाकर। कल से हम केक की खोज में हैं, और हमारी केक की खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है। नाउ लेट्स सी। अभी हम खोजते एक जगह आए हैं, देखते हैं कि ये है एग्जैक्टली या नहीं।
हमें केक मिल गया।